शक वाला बॉस पप्पा का मंदिर कैसे ढूंढूं? मुझे तो पता भी नहीं पता। आर्या, आर्या बॉस बाप्पा है ना, बॉस बाप्पा, उनका वाहन है मूषक। तो बॉस बाप्पा का जो वाहन है मूषक, वो हमारे गांव के जो मूषक है उससे 10 गुना बड़ा है। तो तू उनके कान में खुसर फुसर कर दे, तुझे जो भी चाहिए, तेरी इच्छा जो है वो पूरी कर देंगे। सच्ची? हाँ, फिर तो मैं मूषक मामा से पक्का वापस मांग लूंगी। बड़ा उसे मूषक मामा, उसके बारे में तो यहाँ पे सबको पता होगा। मैडम, सत्या भाव के खिलाफ जो भी बातें सुनने में आई हैं वो अफवाह। ट्रैफिकिंग की अफवाह उड़ी है, वो ऐसे ही तो नहीं उड़ी होगी। दुआ उठा है तो आग तो लगी ही होगी ना सत्या, और मान लेते हैं चलो तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसा इल्जाम पार्टी को बर्बाद करने के लिए काफी है। जिसके दामन में दाग हो उसे हम पार्टी की टिकट नहीं दे सकते। नहीं, ठीक बोलना है, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मेरी वजह से पार्टी के ऊपर कीचड़ उछले ऐसा तो नहीं हो सकता, और सत्या भाव भी ये नहीं चाहेगा, क्योंकि सत्या हमेशा सत्य की राह पे चलता है। अब देखिए मैडम, ये जो आप बोल रहे हैं ना आग धुआ, ये सब मेरे छोटे भाई का किया हुआ है। फैमिली के लफड़े को बाहर सड़क पे लेके आ गया वो। मैडम, 8 साल उसने मेरे को जेल में रखा बिना किसी सबूत के। आपको क्या लगता है, मेरे में इतनी ताकत और पहुंच नहीं है क्या कि सत्या राज्य वड़कर अपने आप को बाहर निकल सके? चलो लेकिन ठीक है, ये जो आदमी अपने आप को जेल से बाहर नहीं निकाल पाता, वो क्या मैडम बच्चे लोग को कैद करके रखेगा? उसका रिकॉर्ड साफ है, हमने रिपोर्ट निकलवाया है, दिखा हुआ है सब। मैडम जो भी है, आपके भाई अंकुश का दामन साफ है और आपका गिरेबान काला, और पार्टी हमेशा एक साफ कैंडिडेट को प्रमोट करती है, मैल साफ नहीं करती। और वैसे भी हम औरतें कब तक मर्दों की गंदगी साफ करें, और क्यों करें? साफ न होने के बावजूद भी साफ दिखने का तरीका है। प्लीज अपने भाई अंकुश को अपने से भी मैला साबित करें। एक बार उसके दामन पे दाग लग गया ना, तो कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं करेगा। और अगर ऐसा कर दिया तो चुनाव का टिकट आपका? क्यों मैडम? अंकुश की पोटली खोलनी पड़ेगी, कहीं तो कुछ तो होगा जिसका फायदा उठा सके। कहाँ जाऊं? नहीं जाना है। आपको नहीं जाना, पर मुझे तो जाना है ना। बच्चों और पापा के बुलावे को कभी मना नहीं करते, पाप लगता है। हमारे पास भाड़े के लिए पैसे हैं क्या? मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन ये सेब है। मेरी आई कहती है सेब होते हैं ना वो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, पर मैं आपको एक ही दे पाऊंगी, क्योंकि ये जो दूसरा ना वो मुझे अपने पापा पे चढ़ाना है। अरे पका मत ना, क्यों मेरा टाइम कुटी कर रही है, सोने देना मुझे। पापा, पापा,
क्या आफत है रे तू? तुझे चाहिए क्या? मुझे बॉस पापा के मंदिर जाना है, चलो ना, ले चलो ना मुझे, मेरे पापा मुझे वहीं मिलेंगे। पूरे रास्ते में आपको मस्त गाना सुनाऊंगी। भाड़ा नहीं है लेकिन आपसे पक्का वाला वादा करती हूँ, आपके लिए प्रार्थना जरूर करूँगी। आपको पता है बच्चों की प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। बहुत जिद्दी है तू और बहुत प्यारी है। चल। बड़े मुशक वाले बॉस बप्पा के मंदिर जाना है ना, चलो। आर्या, सॉरी फिर। बाबा, छोटी सी बच्ची पता नहीं कहाँ घूम रही होगी, उसके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए पापा। हम पहुंच गए बॉस पापा के मंदिर। कमाल है ये लड़की, इसने ये मंदिर ढूंढ ही लिया। इसे भी मेरे तरफ से पापा को चढ़ा देना। मुझे देखकर ये कहीं भाग न जाए, पहले किस तरह से उसका विश्वास जीतना होगा। वो अरे बहनी, तुम ही साहब का टिफिन लाए क्या? हो पर साहब तो आज थाने आए ही नहीं। यहाँ भी नहीं है तो कहाँ गए? कोई बहुत बड़ा केस है क्या? आपके साहब 2-3 दिन से बहुत परेशान हैं। मेरे को तो पता नहीं, पर साहब को कोई छोटा मोटा केस देंगे भी तो नहीं। साहब का वक्त ही ऐसा है। मैं तो The number you are calling is not reachable. बेला, तू भी ना कितना सोचती है, केस में ही बिजी होंगे। एक ईमानदार और उसूलों पे चलने वाला पुलिस वाला ड्यूटी नहीं तो और क्या करेगा? पंडित जी, कैसे हो पापा? ठीक? पर मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, आपसे बहुत नाराज हूँ मैं। आप एक नन्ही सी जान का और कितने दिल दुखाओगे पापा? बाबा से मिलवाने की बजाय इधर उधर भगा रहे हो। मेरे पास छोड़ ना मुशक मामा है, जो मुझे इधर उधर ले जाए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।